मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत प्रसंगों के मध्य में महाराज जी के अनन्य भक्त जयदेव सिंह कैंची धाम में रुके हुए हैं और वो अपने संस्मरण सुना रहे। सुधीर दादा को अपने संस्मरणों से भागीदार बनाते हुए जनरल मैकन्ना, आपको याद होगा ना, जनरल मैकन्ना की हमने बहुत सारी गाथाएं आपको सुनाई हैं, तो वो गाथाओं का एक तरह से यूं कहिएगा कि जब जयदेव सिंह अपनी बात बताते हैं तो मैकन्ना का भी प्रसंग उसमें आ जाता है। जयदेव सिंह बताते हैं कि मैकन्ना जो था ना, साधु संतों और फकीरों से बहुत दूरी बना के रखता था, बहुत घृणा करता था, नफरत करता था। महाराज जी के साथ जब घटनाओं का क्रम चला तो मैकन्ना भक्त बन गया। उसी मध्य की बात है कि महाराज जी अक्सर जयदेव से उनकी बैरक में मिलने चले आते थे। फतेहगढ़ किला घाट पर महाराज जी का आश्रम, और वहां से बिल्कुल घाट, किला घाट के नजदीक ही है ये रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, और उसमें जयदेव सिंह जी महाराज जी के भक्त हैं। तो महाराज जी जब इच्छा हुई तब चले आए, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि न प्रहरी उनको देख पाता है न जो भी है, वो जयदेव सिंह को दर्शन मिल जाते हैं। लेकिन एक दिन जब महाराज जी जयदेव के कमरे के अंदर आ रहे थे, तब तक किसी ने देख लिया। उसने भागकर मैकन्ना को खबर दी। मैकन्ना को जब उसने खबर दी तो हड़कंप मच गया साहब। जहां जहां सिपाही लगे हुए थे, संतरी लगे रहते हैं आपको पता है, वो सब सक्ते में आ गए। बोले हम तो गेट पर ही खड़े रहे। मैकन्ना को जब खबर मिलती है थोड़ा सा वो संयत होकर उस शिकायतकर्ता से पूछता है, तुम्हें क्या कष्ट हो गया? अगर कोई साधु आया है तो तुम्हें क्या कष्ट हो गया? मैकन्ना से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। शिकायत करने वाला एक तरह से उसके हाथों के तोते उड़ गए। बोले आए तो हम किसी और मकसद से थे, लेकिन यहां स्थिति और कुछ है। अब होता क्या है कि महाराज जी जयदेव से मिलके चले जाते हैं। इसके पश्चात कर्नल मैकन्ना जयदेव को अपने सामने पेश होने के लिए खबर करता है। जयदेव सिंह को खबर मिलती है कि मैकन्ना ने बुलाया है, जन हमको अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन जयदेव सिंह को शक्ति है महाराज जी की कृपा की और उन्हें अपनी भक्ति पर विश्वास है। जयदेव जब कर्नल मैकन्ना के सामने प्रस्तुत होते हैं तो कर्नल पूछता है कौन आया था, तो जयदेव सिंह महाराज जी का नाम लेते हैं, बाबा नीम करोली आए थे। तो फिर और बात है, वो महाराज जी के बारे में पूछता है और जयदेव सिंह से कहता है कि अब जब कभी बाबा जी आए तो मेरी तरफ से एक गिलास दूध जरूर पिलाना उनको, और जब जब आए तब तक मेरी तरफ से एक गिलास दूध पेश करना और बताना कि मैकन्ना की तरफ से है। जयदेव सिंह के मन का जो ज्वार था, एक तरह से ज्वार भाटा आता ना, तो वो थम गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल मैकन्ना ये आदेश देंगे। फिर कभी जब कभी महाराज जी आए, जयदेव सिंह ने उन्हें गिलास में दूध पेश किया और कहा कि कर्नल साहब की तरफ से है, और महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उस दूध का पान किया। मित्रों बताते तो ये भी हैं कि मैकन्ना उनका इतना भक्त बन गया था कि महाराज जी मैकन्ना से भी मुलाकात होती थी,
तो जब कभी जाते थे वो, तो वो महाराज जी पलंग पे बैठते थे और मैं करना उनके चरणों की तरफ चारपाई के नीचे बैठता था। बिल्कुल व्यवहार बदल गया था, लेकिन व्यवहार बदलने की जो सीढ़ी थी वो शुरू हुई थी जब उसने महाराज जी पर हंटर बरसाए थे। मैंने आपको एक कथा बताई थी, कहां आग बबूला होने वाला संतों पर संत के चरणों में समर्पित हो गया। संत कृपा ही ऐसी होती है। चलिए आगे और नए प्रसंग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।